इज न्यू वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट 8GB 128GB 19,999 रुपए एंड रियलमी 10 प्रो 8GB 128GB सेम 19,999 रुपए 6.7 इंचेस का 120Hz LCD डिस्प्ले टच सैम्पलिंग दोनों का सेम है 240Hz एंड पीक ब्राइटनेस भी दोनों का सेम है 680 nits. दोनों स्मार्टफोन का PPI डेंसिटी भी सेम है. दोनों स्मार्टफोन में आप यूट्यूब पे HDR वीडियो नहीं देख सकते और ना ही 4K वीडियो का सपोर्ट मिलेगा. बट दोनों स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा. बैटरी का साइज दोनों स्मार्टफोन में सेम है लेकिन चार्जिंग स्पीड नॉर्मल मिलेगा 67W का और Realme 10 Pro ऑफर करता है 33W का चार्जिंग स्पीड. नाउ दोनों स्मार्टफोन को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर. दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X RAM मिल जाएगा एंड UFS 2.2 स्टोरेज. एंड गाइस दोनों स्मार्टफोन में Android 13 बेस्ड OS मिल जाएगा. दोनों स्मार्टफोन को मैंने अपडेट कर लिया है. नॉर्ड में सिक्योरिटी पैच है अप्रैल का और Realme 10 Pro में मार्च का. गाइस कैमरा सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का. बट नॉर्ड में मिलेगा आपको ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम और Realme 10 Pro में डुअल. एंड अगेन दोनों स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको नहीं मिलेगा और सेल्फी शूटर मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का. तो दोनों स्मार्टफोन को मैंने बूट कर लिया है. दोनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया, 1 सेकंड पीछे रह गया नॉट बूट होने में. तो ये रहा दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉइड स्कोर. लास्ट टाइम जब मैंने एंड्रॉइड स्कोर निकाला था नॉट का अनबॉक्सिंग के टाइम पे 389,000 के आसपास आया था लेकिन अभी स्कोर काफी ज्यादा कम दिख रहा है. अगर Realme 10 Pro से कंपेयर करूं तो 70,000 और मोर ऑर लेस स्कोर कम दिख रहा है. CPU स्कोर लगभग 34,000 कम दिख रहा है नॉट का एंड GPU स्कोर 4,000 ज्यादा है वैसे नॉट का. बट मेमोरी मैनेजमेंट एंड यूजर एक्सपीरियंस दोनों स्कोर ज्यादा दिख रहा है Realme 10 Pro का. ये गाइस दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर. दोनों सेम प्रोसेसर वाला फोन है बट Realme 10 Pro का सिंगल एंड मल्टीकोर दोनों स्कोर ज्यादा दिख रहा है वो भी अच्छे मार्जिन से. अब गाइस 15 मिनट 50 थ्रेड्स का थ्रॉटलिंग टेस्ट दोनों स्मार्टफोन में, देखते हैं किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा होता है. गाइस अभी तक मैंने जितना भी थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है Realme 10 Pro में इसमें थ्रॉटलिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है. 85-90% के बीच में दिखता है एंड अभी भी ठीक दिख रहा है 83%. बट नॉर्ड में थोड़ा ज्यादा हुआ है, 73% दिख रहा है. वैसे लास्ट टाइम जब मैंने किया था नॉर्ड में अनबॉक्सिंग के टाइम पे तो और ज्यादा हुआ था 67%. Realme में थ्रॉटलिंग कम ही नहीं हुआ है, इसका परफॉर्मेंस भी बेटर दिख रहा है. मैक्स परफॉर्मेंस देखो तो ज्यादा दिख रहा है और एवरेज परफॉर्मेंस भी Realme 10 Pro का बेटर दिख रहा है. गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाऊं, जो OnePlus Nord का मैक्स परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस है Realme 10 Pro का. नाउ रीड एंड राइट स्पीड को कंपेयर करूं तो रीड स्पीड दोनों स्मार्टफोन का मोर लेस सेम है लेकिन थोड़ा कम है Realme 10 Pro का. बट राइट स्पीड थोड़ा ज्यादा ही कमाया Realme 10 Pro का. अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट काइन मास्टर ऐप की मदद से दोनों स्मार्टफोन में दो सेम फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है. अब चलिए सेम सेटिंग्स अप्लाई करके हम वीडियो रेंडर करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है. ओके वीडियो रेंडरिंग में दोनों स्मार्टफोन का स्पीड सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम टाइम लेने वाला है दोनों स्मार्टफोन. तो गाइस एग्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन ने सेम टाइम लिया, बस 1 सेकंड आगे निकल गया OnePlus Nord CE3 Lite. तो दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है. यह है दोनों स्मार्टफोन का वाईफाई स्पीड. डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों Realme 10 Pro का ज्यादा दिख रहा है. तो चलो अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं. प्ले स्टोर से एक 540 MB का गेम इंस्टॉल करेंगे बारी बारी से दोनों स्मार्टफोन में, देखते हैं गेम पहले कौन इंस्टॉल करता है. स्टार्ट करते हैं Realme 10 Pro से. तो गाइस Realme 10 Pro ने 1 मिनट 10 सेकंड लिया गेम इंस्टॉल करने में. अब देखते हैं नॉट कितना टाइम लेता है. तो नॉट ने ज्यादा टाइम नहीं लिया, ज्यादा पीछे नहीं था, 1 मिनट 18 सेकंड यानी 8 सेकंड ज्यादा लिया Realme 10 Pro से. अब गाइस स्पीड टेस्ट, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है, दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग से. क्लोज था दोनों बट आई थिंक Realme थोड़ा पहले ओपन हुआ. अब अबाउट फोन ओपन करके रखता हूँ, मल्टीटास्किंग में देखेंगे रहता है या नहीं. नाउ यूट्यूब, अगेन यूट्यूब में थोड़ा क्विक दिखा Realme 10 Pro. अब एक शॉर्ट ओपन करके रखता हूँ, मल्टीटास्किंग में देखेंगे रहता है या नहीं. नाउ गूगल क्रोम, ओके इस बार दोनों स्मार्टफोन ने सेम टाइम लिया क्रोम लोड करने में. अब एक सेम वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ एंड इस बार फिर से दोनों स्मार्टफोन सेम दिखा. नाउ प्ले स्टोर, फिर से Realme थोड़ा क्विक दिखा. नाउ ये ऐप एंड इस बार दोनों क्लोज था. अब स्टॉक गैलरी ऐप एंड अगेन स्लाइटली क्विक दिखा Realme 10 Pro. ओके अगेन Realme थोड़ा क्विक दिख रहा है Realme 10 Pro Nord से. अब Insta, फिर से Realme थोड़ा सा स्लो दिख रहा है Nord, देखते हैं गेम्स में क्या करता है. Amazon Prime एंड इस बार स्लाइटली क्विक दिखा OnePlus Nord. नाउ एक मूवी ओपन करके देखते हैं एंड अगेन थोड़ा क्विक दिखा Nord. Twitter, अगेन Realme. अभी तक जितना भी ऐप ओपन किया ज्यादातर ऐप्स को Realme ने पहले ओपन किया. अब देखते हैं गेम्स में क्या होता है. तो पहला गेम एंग्री बर्ड. गाइस ऐसा लगा कि नॉर्ड आगे निकल जाएगा बट दोनों स्मार्टफोन ने सेम टाइम दिया एंग्री बर्ड ओपन करने में. नाउ टेम्पल रन 2, क्लोज था दोनों लेकिन इस बार 1.5 सेकंड पीछे रह गया नॉर्ड. नाउ
सुपर मारियो। फिर से रियलमी थोड़ा आगे निकल गया, अब जेनसन इम्पैक्ट। फिर से गाइस रियलमी 10 प्रो आगे निकल गया, अभी तक जितना भी गेम मैंने ओपन किया सब रियलमी ने पहले ओपन किया एंड इस बार 3 सेकेंड आगे निकल गया अब कॉल ऑफ ड्यूटी। तो गाइस गेम्स में थोड़ा स्लो दिख रहा है वन प्लस नॉर्ड, इस बार 4 सेकेंड ज़्यादा लिया सेम गेम यानी कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करने में। अब लास्ट गेम आज का BGMI। फिर से गाइस Realme 10 Pro आगे निकल गया, इस बार फिर से OnePlus Nord ने 4-5 सेकंड ज़्यादा लिया सेम गेम यानी BGMI ओपन करने में। तो गाइस स्पीड टेस्ट का क्लियर विनर है Realme 10 Pro 5G, सेम प्रोसेसर सेम रैम सेम वाईफाई कनेक्शन बट सेम एप्स एंड गेम्स लोड करने में थोड़ा क्विक दिखा Realme 10 Pro। OnePlus Nord का Android स्कोर Geekbench 6 का स्कोर कम दिखा, थ्रॉलिंग भी थोड़ा ज़्यादा हुआ, वाईफाई स्पीड एंड ऐप डाउनलोड करने में भी थोड़ा सा स्लो दिखा OnePlus Nord Realme 10 Pro से। नाउ मल्टीटास्किंग, रैम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस ओके था, मोरले सेम दिखा दोनों, लेकिन एक एक्स्ट्रा गेम मैनेज कर लिया हैंडल कर लिया OnePlus Nord C3 Lite ने, थोड़ा बेटर हम बोल सकते हैं OnePlus Nord को मल्टीटास्किंग में। नाउ बायोमेट्रिक सिस्टम, दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, दोनों स्मार्टफोन एक्यूरेट है एंड दोनों स्मार्टफोन फास्ट है। एंड गाइस कंपैरिजन की अगर बात आए तो दोनों स्मार्टफोन मोरले सेम लग रहा है, दोनों स्मार्टफोन सेम टाइम ले रहा है अनलॉक होने में। नाउ गाइस कैमरा, दोनों स्मार्टफोन से हम फुल HD 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं चाहे वो बैक कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा, ये दोनों स्मार्टफोन के वीडियो रिकॉर्डिंग का सैम्पल्स। नाउ गाइस दोनों स्मार्टफोन के 108 मेगापिक्सल कैमरे से लिया गया कुछ शॉट्स, दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है लेकिन दोनों स्मार्टफोन के शॉट्स को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ शॉट्स में Realme 10 Pro थोड़ा ज़्यादा शार्प लगा एंड कलर रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो OnePlus Nord C3 Lite का कलर रिप्रोडक्शन मुझे ज़्यादा ओवरऑल बेटर लगा। एंड ये गाइस दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से लिया गया सेल्फीज का सैंपल जो मैंने सेम टाइम पे दोनों स्मार्टफोन से क्लिक किया है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट कुछ और लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना और फ्यूचर में ऐसे कॉन्टेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।